आज छापे पड़े हैं पंजाब में और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को सब पता होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करने वाली है। दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस कह रही है। अरे हमारा क्या लेना देना है भाई साहब, छापे मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के यहाँ पड़ रहे हैं, हम तो दिखा सकते हैं। हमने चमकौर साहब राघव चड्ढा गए और दिखाया कि ये इलीगल माइनिंग चल रही है। चमकौर साहब जो कि सीएम चन्नी की कंस्टिट्यूंसी है, तो बताइए चन्नी साहब क्या चल रहा है ये। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मेरी कैबिनेट के बहुत से मंत्री माफिया में इन्वॉल्व थे, तो उसमें हमारा क्या लेना देना है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे वो भरनगे, तू क्यों भय उदास। तो जो कर रहे हैं वो भर रहे हैं क्या, आपका क्या तजुर्बा है? तो फिर अगर ईडी आई है, कोई सबूत लेके आई होगी, कोई पुख्ता उनके पास जानकारी होगी, तो ईडी ऐसे तो आती नहीं कि किसी के घर पे भी आ जाओ। अब मैं भी 7 साल से एमपी हूँ, विपक्ष में हूँ, सबसे ज़्यादा बोलता हूँ पार्लियामेंट में, सरकार को कटहरे में खड़ा करता हूँ, मेरे घर तो ईडी आई नहीं कभी, ना ही मुझे इनकम टैक्स वालों का फोन आया कोई कि चेक करना है या कुछ करना है। जब आपने ईमानदारी से काम करना है, लोगों का विश्वास आपकी आपका खजाना बन जाता है, तब ऐसी बातों की क्या डर, आ जाए चेक कर ले। इसी बात पर तो कहती है कांग्रेस की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मसला हो, सबसे पहले आम आदमी पार्टी को बुरा लगता है। यहाँ छापे पड़ने वाले हों, आम आदमी पार्टी उस पर उछल कर ताली बजाती है। ये दोनों मिले हुए हैं, बुरा क्यों नहीं लगेगा सर? गरिमा है प्रधानमंत्री की, उनको भी आके रैली में बोलने का अधिकार है। वहाँ कट कितना था, ज़्यादा था, कम था, बाद की बात है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन पंजाब जो है उसने 90% कुर्बानियाँ देकर देश को आज़ाद कराया। हम पंजाब को कोई ऐसा कलंक नहीं देना चाहते कि पंजाब में कोई सुरक्षित नहीं है या कोई ऐसा मारामारी चली हुई है पंजाब में। पंजाब अमन पसंद स्टेट है, यहाँ की सोशल बॉन्डिंग, भाईचारा की सांझ बहुत मजबूत है, और आम आदमी पार्टी इस सोशल बॉन्डिंग को मजबूत रखेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में एक आम व्यक्ति भी, प्रधानमंत्री भी, और बाहर से कोई डिग्निटी आता है वो भी सुरक्षित होगा, और पंजाब जो है वो रंगला पंजाब बनाएंगे हम।